हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, अदानी ग्रुप में कुछ भी फ्रॉड हुआ नहीं है, नो फ्रॉड इन अदानी, ऐसा मानना है एक बड़े आदमी का, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बड़ा स्टेटमेंट एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ओर से आया है। ये न्यूज़ बताने के पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर, जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप पर काफ़ी एलिगेशंस लगे और इसके जवाब में आए हैं ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर टोनी एबॉट। मिस्टर टोनी एबॉट ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि अदानी ग्रुप में कोई भी फ्रॉड हुआ है, और जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाया है अदानी ग्रुप के ऊपर वो बेसलेस है। और उन्होंने ये भी बताया है कि रेगुलेटर्स अपना काम कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड उनको एक कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी गलत निकल कर आएगा नहीं अदानी ग्रुप के ऊपर। ये उन्होंने अपने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक काफ़ी बड़ी बात है। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले ये जो सेशंस है, इनके स्टेटमेंट के कारण भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े अदानी ग्रुप के शेयर्स में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जस्ट एलिगेशंस लगाने से साबित नहीं होता है, एंड जो भी है इसमें जो भी एलिगेशंस लगे हैं, अभी कुछ प्रूव हुआ नहीं है, कुछ भी मिला नहीं है, तो इस पर उनको कोई बिलीव नहीं है। एंड ही इज़ फुल कॉन्फिडेंट दैट अदानी ग्रुप विल कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम विथ शाइनिंग स्टार, मतलब काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट ने बड़ा स्टेटमेंट देके बताया है। और उन्होंने इसके साथ ही अदानी ग्रुप को थैंक्स कहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो कोल माइनिंग वगैरह में इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो बिजनेस अदानी कर रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में भारत में पावर का जो प्रॉब्लम है वो भी कम होते हुए दिखेगा। देखते हैं इनके स्टेटमेंट का अदानी ग्रुप के शेयर्स पर क्या असर होता है आने वाले दिनों में। थैंक यू फ्रेंड्स।